वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजा कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी भी, और आज का हमारा विषय होने वाला है शब्द और पद। तो जैसे कि हम अपनी पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द की क्या विशेषताएं हैं, ये सारी हम अपनी पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो शब्द की क्या विशेषताएं, जब वर्णों के छोटे छोटे टुकड़ों को जब हम जोड़ दें और उसका एक सार्थक और व्यवस्थित ढंग से उसका अर्थ निकले, तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। दूसरा था हमारा शब्द एवं पद। जब हम जान गए कि शब्द क्या होता है, उसके बाद हम क्या जानेंगे कि पद क्या है, पद किसे कहते हैं। जब हम जान गए कि पद किसे कहते हैं, उसके बाद था हमारा शब्द एवं पद में क्या अंतर है। तो आपको यहाँ जानना होगा कि शब्द और पद में क्या अंतर है, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, पूछ लिया जाता है कि शब्द और पद में अंतर बताए, कोई एक उदाहरण देकर बताए, तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है। उसके बाद था हमारा पदबंध किसे कहते हैं। उसके बाद हम पढ़े हैं शब्द के कितने भेद होते हैं। तो निम्नलिखित आधार पर शब्द जो है ना, उसे चार भागों में बांट दिया गया है। पहला रहता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है हमारा बनावट के आधार पर, तीसरा है हमारा प्रयोग के आधार पे, और चौथा है हमारा अर्थ के आधार पे। तो ये चार भागों में बांटा गया है। पहला हम पढ़ चुके हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया, तो चार भागों में, ठीक है। तो तत्सम, तद्भव, देशज और आगत, तो ये क्या थे, चार भाग थे जिसमें बांटा गया था। उसके बाद हम पढ़े थे बनावट के आधार पर, इसमें तीन भागों में बांटा गया है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो होगा हमारा प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ दिया हुआ है, पहला रहेगा हमारा सामान्य शब्द, तो सामान्य शब्द के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा दूसरा अर्थ तकनीकी शब्द, और तीसरा है हमारा तकनीकी शब्द। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, ये हमेशा याद रख लेना है कि कौन सा कितने भागों में बांटा गया, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बनावट के आधार में कितने भागों में बांटा गया है, या फिर प्रयोग के आधार पे, अर्थ के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि कितने भागों में बांटा गया है, बस ये समझ लेना है। क्योंकि अगर आप एक बार ये समझ जाओगे ना कि कितने भागों में बांटा गया है, तो फिर उसकी परिभाषा लिखना आसान होता है। तो पहला जो है हमारा सामान्य शब्द, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सामान्य शब्द है क्या। तो चलिए देख लेते हैं कि सामान्य शब्द क्या है। जिन शब्दों का प्रयोग दिन प्रतिदिन के कार्य व्यवहार में होता है, उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। तो क्या है इसमें, दिन प्रति मतलब हर दिन, हर दिन आप कोई ना कोई एक ऐसा शब्द होगा ना जिसका आप हर दिन यूज़ करते होगे। पहले क्या, जैसे आप हर दिन रोटी खाते हो, खाना खाते हो ना, हर दिन रोटी खाते होगे, ठीक है। तो आप ये हर दिन यूज़ करते हो, ये वर्ड क्या, हर दिन आप यूज़ करोगे। बुक्स डेली पढ़ते हो, डेली देखते हो, तो आप हमेशा उस चीज़ का भी इस्तेमाल करते होगे। दूसरा हो गया पेन हो गया, है ना, ऐसी बहुत सारी शब्द होती है जिनका हम क्या करते हैं, हर दिन इस्तेमाल करते हैं, हर दिन वो शब्द को हम बोलते ही बोलते हैं। तो जैसे यहाँ दिया हुआ भी है उदाहरण, रोटी जो आप हमेशा बोलते हो, सुबह में रोटी खाते हो या फिर रात में, दिन में खाते ही होगे ना कोई आइटम, तो हर दिन इसे हम इस्तेमाल करते हैं ये शब्द को। और दूसरा क्या है, पुस्तक, पुस्तक भी हर दिन यूज़ करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हमेशा बुक्स पढ़ते हैं, हमेशा ये करते हैं, तो हमेशा हम बुक्स के बारे में भी बात करते हैं, डेली बोलते ही बोलते ये शब्द। तो ये सब क्या होता है, जो हर दिन बोला जाए वो क्या होता है, सामान्य शब्द। ये इसका नाम जैसे हम पढ़े सामान्य शब्द, मतलब जो हर दिन अपने कार्य में या फिर प्रतिदिन जिसका यूज़ हम करें, जिसके बारे में हम हमेशा बोलते रहें। तो जैसे होता है रोटी, पुस्तक, कलम, साइकिल, शिशु, मेज, लड़का, लड़की, तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका हम इस्तेमाल डेली करते हैं, हर दिन करते हैं, ठीक है, बहुत सारे होंगे ऐसे शब्द। अब दूसरा क्या है हमारा, तो ये तो था हमारा सामान्य शब्द, उसके बाद दूसरा है हमारा अर्थ तकनीकी शब्द, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अर्थ तकनीकी शब्द है क्या। जो शब्द दिन प्रतिदिन के कार्य व्यवहार में भी प्रयोग में लाए जाते हैं, तथा किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें अर्थ तकनीकी शब्द कहते हैं। तो जैसे जब हमारा था, जब हम पढ़े
ये वाला सामान्य शब्द, तो वो क्या था, वो हर दिन हर कोई यूज करता है। रोटी हर कोई खाता है तो हर कोई रोटी के बारे में बोलता है, कलम के बारे में, लड़का लड़की हर कोई देखता है, तो हर दिन ये क्या होता, हम अपने जीवन में हर टाइम बोलते हैं, ठीक है, हर दिन बोलते हैं, तो ये होता सामान्य शब्द। लेकिन जो अर्ध तकनीकी शब्द है वो क्या होता है, वो हम कब बोलते हैं, किसी विशेष कार्य, ये भी हम हर दिन बोलते हैं लेकिन इसका कोई विशेष अर्थ होता है। जब इन शब्दों के बारे में हम पढ़ते हैं ना, बोलते हैं, तो इनका कोई अर्थ होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, अर्थ तकनीकी शब्द। तो इसके जैसे कुछ उदाहरण ये हैं, दवा, आदेश, रस। तो रस भी बहुत सारे होते हैं ना, कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के रस होते हैं, तो ये सारे में आते हैं, ठीक है। जैसे इन शब्द का हम क्या करते हैं, ये होते हैं हमारे अर्थ तकनीकी शब्द का ही अर्थ होता है कि जिसे हम हर दिन यूज़ तो करते, हर दिन बोलते तो, लेकिन एक विशेष अर्थ के साथ। जैसे दवा शायद कोई खाता है, ठीक है, खाते होंगे घर में, लेकिन इसका कोई अर्थ होता है। आप हर टाइम नहीं बोल रहे कि दवाई खाना, दवाई खाना, हर दिन नहीं बोलोगे, ठीक है। बहुत लोग हर दिन बोलते हैं, लेकिन कब बोलेंगे, जब उन्हें ज़रूरत होती, इसके एक अर्थ होती, आदेश, तो ये भी जब बोलते हैं तो इस ये कब बोलते हैं, हम हर दिन तो यूज़ करते हैं हर कोई, लेकिन जब कोई बहुत अच्छा काम हो जिसका हमें आदेश देना हो तभी हम बोलेंगे। और रस, ठीक है, तो ये सारे क्या थे, पहला था हमारा सामान्य शब्द, दूसरा था हमारा अर्थ तकनीकी शब्द, अब हम देखते हैं हमारा तीसरा क्या है, हमारा तीसरा है तकनीकी शब्द। अब हम देखेंगे, हम पढ़ लिए जब सामान्य शब्द, अर्थ तकनीकी शब्द, उसके बाद आया हमारा तकनीकी शब्द। तो तकनीकी शब्द क्या है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली के शब्दों को तकनीकी शब्द कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो शब्द जिसके हम प्रयोग करते हैं ना, ये हम करते किसी ऐसे विशेष, कोई ऐसी जगह होती है, ठीक है, वहाँ करते अपने काम में जिसका प्रयोग करते हैं हम, तो वो क्या होता है, अर्थ तकनीकी शब्द। तो जैसे यहाँ इसके दिए हुए विधि, कानून, जिसका अर्थ होता है कानून के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, मतलब जो हम शब्द का प्रयोग हर दिन करें, लेकिन वो कहाँ प्रयोग हो, कानून के, मतलब जहाँ जैसे कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, जहाँ ये सारे शब्द का हम प्रयोग करें, ठीक है, जैसे विधि हो गया, विधायक, संविधान, प्रविधान आदि, ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार है प्रशासन, बैंक, चिकित्सा, विज्ञान, अर्थशास्त्री, मतलब ये सारे शब्द क्या होते हैं कि जहाँ हम किसी विशेष जगह पर प्रयोग करें, ठीक है, जहाँ कार्य की जगह पे, बैंक हर कोई जाता है, ठीक है, तो लेकिन हम वहाँ की बात वहीं करते हैं, वो शब्दों का प्रयोग हम बैंक जाकर ही करेंगे। अगर मुझे प्रबंधक बोलना है या फिर ऐसे कोई शब्द का प्रयोग करना है, डॉक्टर बोलना है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तभी वहाँ बोलोगे, हर दिन ये चीज़ यूज़ होती है, वहाँ डॉक्टर सुनते होंगे, हर चीज़ सुनते, हर कोई डॉक्टर बोलता है, लेकिन कब, जब वहाँ जाता है तब, ठीक है, लेकिन हर दिन इसका प्रयोग होता है, कोई ना कोई हर दिन बोलता है, कब बोलता है, जब वहाँ उनके पास में जाए। तो ये तो था हमारा प्रयोग के आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में, पहला था हमारा सामान्य शब्द, और दूसरा था हमारा अर्थ तकनीकी शब्द, और तीसरा था हमारा तकनीकी शब्द। तो अर्थ तकनीकी शब्द, सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द, ये सारे क्या है, ये हम जान गए, सामान्य शब्द जो हम हर दिन हर कोई यूज़ करते हैं, ठीक है, और दूसरा था हमारा अर्थ तकनीकी शब्द, जो जिसे हम यूज़ करते हैं लेकिन हर दिन यूज़ करते हैं, लेकिन कोई अच्छा जिसका अर्थ हो, जिसके बारे में हम बता सकें तब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और तीसरा है हमारा तकनीकी शब्द, मतलब जो आप अगर कहीं जा रहे हो डॉक्टर के पास, हर दिन तो यूज़ हो रहा है, हर कोई बोलता है डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन कब, जब वहाँ जाते हैं तब हम बोलते हैं, ठीक है, या फिर बात करते हैं तब। तो ये था हमारा तकनीकी शब्द। तो प्रयोग के आधार पे तीन भागों में बांटा गया, ये हमें याद कर लेना है, ठीक है, कितने भाग, तीन भागों में। एक बार आप समझ जाओगे तो फिर आराम से लिख सकोगे एग्जाम्स में, जैसे क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा क्वेश्चन आएंगे, व्याकरण से भी आएंगे, ग्रामर से भी आपके रहते हैं, ये जो शब्द और पद है ना, इससे दो या तीन मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसे अच्छे से पढ़ लेना है। लेकिन हमें ये नहीं पता रहता ना कि कब कौन सा पूछ ले, तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा और समझना होगा। तो ये आज का जो हमारा विषय था यही समाप्त होता है। अब हम अपनी अगले आने वाले विषय में पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो आज का जो हमारा विषय यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।